नमस्कार, पूनम्स कुकबुक की ये रेसिपी है मुंबई स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी की। एक नई ट्रिक के साथ आप इसे बिना हाथों से मैश किए हुए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और मुंबई की पाव भाजी का स्वाद घर बैठे हुए ले सकते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए एक पैन में मीडियम फ्लेम पर 3 बड़े चम्मच बटर मेल्ट कर लिया है। इसमें हाफ कैप्सिकम चॉप करके डालकर सॉटे कर लेंगे करीब 30 सेकेंड तक। थ्री मीडियम साइज टमाटर चॉप करके ऐड कर देंगे, इसे भी थोड़ा भून लेंगे। दो टेबलस्पून मटर डाल देंगे। 3 बॉइल्ड आलू मैश करके मिला देंगे। एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 चुटकी हल्दी, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1 कप पानी डाल देंगे। पानी डाल करके हम उसे कवर करके रख देंगे करीब 2 मिनट के लिए। इसे मीडियम फ्लेम पर ही रहने देंगे। अब कवर हटा देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। यही एक ट्रिक है जिसमें हम भाजी को हाथों से नहीं मैश करेंगे बल्कि इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हल्का ब्लेंड करेंगे सिर्फ 10 सेकेंड के लिए। इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। भाजी बहुत गर्म है, हमें बहुत सावधानी से मिक्सी में चलाना होगा। भाजी को पतला नहीं पीसना है, हल्का सा 2-3 बार चला करके छोड़ देंगे। फ्लेम ऑन कर लेंगे और मीडियम में रखेंगे। अब भाजी को मिक्सी से उसी पैन में वापस डाल देंगे। भाजी गाढ़ी लग रही है, इसमें करीब 1/2 कप पानी डाल देंगे। भाजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करीब 2 मिनट तक भाजी को पकने देंगे और एक दूसरे पैन में भाजी के लिए टेम्परिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पैन को गरम करके 2 टेबलस्पून मक्खन ले लिया है। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। चुटकी भर हींग डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा भून लेंगे जिससे अदरक का लहसुन का कच्चापन चला जाए। 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर डाल देंगे। एक टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ 1 प्याज। हल्का सा भुनेंगे। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ता बारीक काटा हुआ। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से भून के भाजी में डाल देंगे और भाजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच मध्यम ही रहेगी।
लो फ्लेम में 5 मिनट तक और पका लेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे अगर भाजी गाढ़ी ज़्यादा लगे तो। इसके बाद एक नींबू का रस डाल देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऊपर से डाल देंगे और 1 टेबलस्पून मक्खन डाल देंगे। भाजी हमारी तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब पाव सेक लेंगे। पाव सेकने के लिए एक पैन में हमने 1 टेबलस्पून मक्खन को पिघला के ले लिया है। उसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। थोड़ा हरा धनिया पत्ता भी डाल देंगे। फ्लेम लो रखेंगे। अब उसमें पाव को सेक लेंगे चारों तरफ घुमा घुमा के अच्छी तरह से, दोनों साइड से। ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा सेक करके निकाल लेंगे। हमारी पाव भाजी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स या कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल पूनम्स कुकबुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको डेली मेरी एक नई इजी और टेस्टी रेसिपी का वीडियो मिलता रहे।